आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। आदरणीय सभापति जी, आज एक लंबी चर्चा, और आपने देखा है, मैं पहली बार लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ सेवा के लिए आप लोगों ने अवसर दिया, तब भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था। 2019 में भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा, मुझे राज्यसभा में भी ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा, और इसलिए अब तो ये भी बड़ा मजबूत हो गया है, मेरा हौसला भी मजबूत है, मेरी आवाज भी मजबूत है, और मेरे संकल्प भी मजबूत है। आदरणीय सभापति जी, ये कितनी ही संख्या का दावा क्यों ना करते हो, 2014 में जब हम आए राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी, और चेयर का भी जरा झुकाव दूसरी तरफ था, लेकिन सीना तान करके देश की सेवा करने के संकल्प हम दिखे नहीं। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आपने जो फैसला सुनाया है, आपने हमें सेवा करने का जो आदेश दिया है, ऐसी किसी रुकावटों से न मोदी डरने वाला है, न ये सरकार डरने वाली है। जिन संकल्पों को लेकर के हम चले हैं, उन संकल्पों को पूरा करके रहेंगे। आदरणीय सभापति जी, जो नए सांसद चुन के आए हैं, उनको मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं मानता हूं कि बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, और देश की लोगों की नजरों से गिरते हुए बचने का प्रयास भी करेंगे, इसलिए मैं उनको भी परमात्मा कुछ सद्बुद्धि दे, मैं बालक बुद्धि को भी सद्बुद्धि दे, इस अपेक्षा के साथ आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का जो उद्बोधन है उसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आपको भी अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, विस्तार से मुझे बात बताने का मौका दिया, और किसी का कोलाहल सत्य की आवाज को दबा नहीं सकता, सत्य ऐसे प्रयासों के भी दबता नहीं है, और झूठ को कोई जड़े नहीं होती है। आदरणीय सभापति जी, जिन लोगों का अवसर नहीं दिया वो उनकी पार्टी की जिम्मेवारी है, वो आगे से अपने सदा सांसदों का ध्यान रखेंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन का भी धन्यवाद करते हुए, मुझे बहुत आनंद आया आज, बहुत आनंद आया। सत्य की ताकत क्या होती है,
वो आज मैंने जी करके देखा है। सत्य का सामर्थ्य क्या होता है उसको मैंने आज उसका साक्षात्कार किया। और इसलिए सभापति जी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार